नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त गोरख राउत। आज हम आम के बगीचे का साफ सफाई कर रहे हैं रोटावेटर से। सफाई करके हम इसके बीज इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं, मूंग हो, तिल हो और कोई भी हो। ये साल बहुत ही कम आम आया था, कुछ ही पेड़ में। ये मेरा खुद का बगीचा है जो यहाँ 380 आम का पौधा लगाया गया है और इसमें मल्लिका, लेंगड़ा और दशहरी की वैरायटी है। और आज बगीचा को 3 साल पूरा हो गया। इस साल ज़्यादा बारिश होने से बहुत खरपतवार बढ़ गया था बगीचे में, इसीलिए इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। साफ करके हम इसमें गोबर, DAP, यूरिया और पोटाश का एक पैकेज देंगे। आने वाले यही बारिश में, इस जून के महीने में जो पहले बारिश में ही यहाँ पौधा का अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। रोटावेटर सावधानी से चलाएं। ये देखिए, रोटावेटर लग गया तो एक पौधा का एक डाली टूट गया। इसमें पानी जमा हो के ये पौधा खराब भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें पत्ता खाने वाला कीट लग गया है। इसमें हम कोई कीटनाशक और उसके साथ हार्मोन स्प्रे करना पड़ेगा हमको। हमने यहाँ पौधा से पौधा 16x16 में लगाया है और गड्ढा 4x4 फीट और गहरा भी 4 फीट किया गया था। को सफाई करके इसमें जड़े को मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसमें प्रति पौधा 30 किलो सड़ा हुआ गोबर, 200 ग्राम DAP, 200 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम पोटाश का पैकेट देंगे। बारिश के महीना खत्म हो जाने पर यहाँ हम फिर से ड्रिप पाइप लगाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्कार।